नाउ लेट्स सी आउटर जॉइन। ये दोनों टेबल वही टेबल हैं जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी। अभी ये टेबल्स के ऊपर हम आउटर जॉइन पढ़ेंगे। तो आउटर जॉइन पहले पढ़ लीजिए क्या है। नेचुरल जॉइन के अंदर हमने सिर्फ इक्वेलिटी वाला डेटा लिया था। यहाँ पे हमारे पास लेट से नल है, P5 एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम T है, लेकिन वो किसी भी एम्प्लॉय को अभी असाइन नहीं है। तो ये वाला डेटा हमारा कभी भी नेचुरल जॉइन में नहीं आएगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव दिस मैच विद एनी ऑफ द एम्प्लॉयज। इवन इफ वी हैव नल हियर, देन ऑल्सो नल इज नॉट इक्वल टू नल। तो हम आउटर जॉइन का यूज करते हैं इस तरह की क्वेरीज के लिए। देखो, आउटर जॉइन इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू जॉइन ऑल रोज फ्रॉम वन टेबल इवन इफ इट डज नॉट मैच और इट डज नॉट हैव अ करस्पॉन्डिंग रो इन अनदर टेबल। ठीक है, हम ये तब करते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। पहला है हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन और दूसरा है राइट आउटर जॉइन। तो पहले लेफ्ट आउटर जॉइन देखते हैं क्या है। इट रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल इवन इफ देयर आर नो मैचेस इन द सेकेंड टेबल। ठीक है, तो देखो लेट से ये एक टेबल है एम्प्लॉय। हमें इसके प्रोजेक्ट के साथ में अगर हम इसका लेफ्ट आउटर ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। हमारे पास इस टेबल के अंदर E4 कहीं भी नहीं है, तो नेचुरल ज्वाइन करते हुए हमारा आंसर में E4 कहीं भी नहीं आएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन में, तो ये हमारी टेबल 1 और ये है टेबल 2। अगर हम टेबल 1 लेफ्ट आउटर ज्वाइन टेबल 2 करेंगे तो E4 का मैच इस टेबल में कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर में E4 आएगा। तो किस तरह की क्वेरीज पे ये वर्क करेगा, तो देखिए लेट से हमारी क्वेरी जो है वो है फाइंड ऑल एम्प्लॉई एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट नेम्स इफ एनी। ओके, लेट से कोई एम्प्लॉय है किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो हम उसको दिखाएंगे उसके प्रोजेक्ट के नेम के साथ। अदरवाइज अगर वो एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता है तो हम उसका सिर्फ एम्प्लॉय नेम दिखाएंगे। सो फाइंड ऑल एम्प्लॉयज, हमें सारे एम्प्लॉयज का दिखाना है नेम इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट नेम्स इफ एनी। अगर प्रोजेक्ट नेम है तो दिखाएंगे, नहीं है तो नहीं दिखाएंगे, सिंपल। तो लेट से हमने क्वेरी लिखी सेलेक्ट Employee name, comma, project name from किसमें से employee और क्या कर रहे हैं left outer join। तो employee natural left outer join किसके साथ projects के साथ। देखो natural क्यों लिखा, क्योंकि let's say ये वाली दो टेबल्स हैं जिनके ऊपर आप लेफ्ट आउटर जॉइन लगाना चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट क्या ये ई नेम और प्रोजेक्ट नेम पे मैच करे, मैच तो कराना ही ना है हमें, तो ई आई डी और ई आई डी पे ये मैच करना चाहिए। इधर नल है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। ओके, तो नेचुरल तो इसलिए लिखा और लेफ्ट आउटर जॉइन बिकॉज अगर इसकी कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें इधर नहीं मिल रही है तो भी हम उसको शो करेंगे। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, पहले हम लेफ्ट आउटर जॉइन निकाल के देखते हैं। तो लेट से ये हमारे पास आउटपुट की टेबल है जिसके अंदर हमारे पास 6 कॉलम्स आएंगे, पहली चीज। ठीक है, 6 कॉलम्स आएंगे क्योंकि 3 कॉलम्स इसके और 3 कॉलम्स इसके। तो ई आई डी, ई नेम, ई सैलरी, पी आई डी, प्रोजेक्ट नेम और ई आई डी। ठीक है, ये हमने लिखा। नेक्स्ट, दिस E1 हैज अ मैच विद दिस E1, तो ये हो गया E1
ए 100, फिर पी 1 पी ई 1। आप कहेंगे ये ई आई डी और ई आई डी डबल हो रही है, क्या एक ही बार आएगी? नहीं, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो तो दोनों बार आएगी। जब आप उसमें से कुछ कॉलम्स को, पर्टिकुलर कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे हो, तब आप रख सक चूज कर सकते हो कि कौन सा आपको यूज करना है। इसीलिए जब हमने नेचुरल ज्वाइन किया था तो क्या किया था, एम्प्लॉय डॉट ई आई डी इक्वल टू प्रोजेक्ट्स डॉट ई आई डी। क्यों किया था? क्योंकि दोनों में, इसमें भी ई आई डी है और इसमें भी ई आई डी है, तो पहली ई आई डी किसकी लेनी है, दूसरी ई आई डी किसकी लेनी है। आप इसको इधर और इसको इधर कर सकते हो, बट देन ऑल्सो कंप्यूटर विल थिंक ई आई डी ऑफ विच टेबल, तो एम्बिगुअस हो गया कंप्यूटर के लिए, आपको बताना पड़ेगा ई आई डी ऑफ एम्प्लॉय टेबल एंड ई आई डी ऑफ प्रोजेक्ट टेबल। तो इसीलिए आंसर में भी दो आई डी आएंगे। ऐसे ही ई टू, अब इस ई टू के साथ मैच होगा तो ये क्या देगा, बी 200, फिर पी 4 एस ई टू। E3 will also match, तो E3 then R then sorry E3 C 150 and P2 Q E3। E4 का हमारे पास कोई मैच नहीं है, यहाँ पे कहीं भी E4 नहीं है, तो हम E4 इधर से तो डेटा लेंगे, E4 D 275, बट यहां पे किसी के साथ मैच नहीं हुआ तो ये क्या रहेगा, नल। फिर E5 हमारा इधर मैच हो रहा है, तो E5 देन वी हैव E300 एंड इट इज मैचिंग विद दिस थिंग, तो यहां पे आएगा P3 R एंड E5। तो जब हमने नेचुरल ज्वाइन किया था, सिर्फ नेचुरल ज्वाइन, तो ये वाली रो नहीं थी वहां पे, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी मैच। वेयर एज जब हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन किया है तो हमारे पास इसका मैच मिला है। ओके, ये है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अगर हम राइट आउटर ज्वाइन करते तो क्या डिफरेंस होता, तो राइट आउटर ज्वाइन में क्या होगा, अभी हमने टेबल वन की वो वैल्यूज ली जिनका मैच इधर नहीं मिला। अगर हम राइट आउटर ज्वाइन करेंगे तो टेबल टू की वो टेबल्स लेंगे, वो रोज लेंगे जो इधर मैच नहीं होगी। तो यानी कि देखिए, इसको भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, राइट आउटर जॉइन को हमारे पास में ये टेबल है, इसमें ई आई डी, ई नेम, देन ई सैलरी, पी आई डी, पी नेम और ई आई डी। ठीक है, आपने क्या किया, सेम लेफ्ट की जगह बस राइट लिखा, तो क्या होगा, ई वन ए 100, और ये बाकी सारी चीजें सेम है, मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ये देखो यहाँ पे P1 PE1 क्योंकि E1 का मैच मिल गया, फिर E2 B200 और इसका मैच मिल गया P4 SE2, ऐसे ही E3 का मैच भी मिल गया, तो E3 C150 देन इट इज विद P2 Q E3। अब E4 का कोई मैच नहीं है, बट वी आर नॉट टेकिंग द वैल्यूज हु आर नॉट हैविंग मैच इन टेबल वन, वी आर टेकिंग वैल्यूज हु आर नॉट हैविंग मैच विद टेबल टू। ओके, दोज आर इंक्लूडेड, तो इसको छोड़ देंगे बिकॉज दीज आर नॉट हैविंग एनी मैच हियर। नाउ E5 को देखो, E5 इज हैविंग मैच E300 विद P3 R एंड E5, ये हो गया। अब देखो P1 कवर्ड, P2 कवर्ड, P3 कवर्ड, P4 कवर्ड, बट P5 इज नॉट हैविंग मैच हियर। P5 का यहाँ पे कोई मैच नहीं आया बिकॉज ये खाली है, तो ये नल नल नल, और यहाँ पे आएगा P5 T नल। ये हमारा राइट आउटर जॉइन है। ठीक है, अब लेट से मैं इसमें से एम्प्लॉय नेम ये लेता हूं और प्रोजेक्ट नेम ये लेता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, प्रोजेक्ट नेम ये आएंगे और एम्प्लॉय नेम ये आएंगे, कि यानी कि पी प्रोजेक्ट इज असाइंड विद ए, एस प्रोजेक्ट इज असाइंड विद बी, टी इज अ प्रोजेक्ट विच इज नॉट असाइंड टू एनीबडी। ठीक है, तो राइट आउटर ज्वाइन भी लिख लेते हैं इसी के साथ में, राइट आउटर join, so
इट रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द सेकेंड टेबल. सेकेंड टेबल जो होगी उसमें से सारी रोज आएंगी जो हमारे केस में प्रोजेक्ट्स थी. इवन इफ देयर आर नो मैचेस इन द फर्स्ट टेबल. अब ये किस तरह की क्वेरीज का जवाब देगा? लेट से एक एग्जाम्पल, फाइंड ऑल द प्रोजेक्ट्स नेम, प्रोजेक्ट्स नेम्स एंड देयर असाइंड एम्प्लॉइज इफ वर्किंग ऑन बाय एनी एम्प्लॉय. मतलब अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो हम उस एम्प्लॉय का नेम देंगे. फाइंड ऑल प्रोजेक्ट नेम्स एंड देयर असाइंड एम्प्लॉय नेम्स, ठीक है, नेम्स इफ वर्किंग ऑन बाय एनी एम्प्लॉय. अगर नहीं है तो हम खाली प्रोजेक्ट का नेम दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम उसमें, सेलेक्ट प्रोजेक्ट नेम्स कॉमा एम्प्लॉय नेम्स फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल. नेचुरल क्यों? क्योंकि ई आई डी पे तो हम चेक करेंगे ना कि वो है या नहीं है. तो नेचुरल राइट आउटर जॉइन विद होम प्रोजेक्ट्स. तो देखो ये है सेकेंड टेबल, ठीक है, ये सेकेंड टेबल है और ये फर्स्ट टेबल है एम्प्लॉय वाली. तो सेकेंड टेबल की सारी वैल्यूज इवन इफ फर्स्ट टेबल में उसका मैच नहीं होगा तो वो राइट आउटर जॉइन है, ठीक है. और एक होता है हमारा लास्ट फुल आउटर जॉइन. फुल आउटर जॉइन तो ये देख लेते हैं. तो इट रिटर्न्स बोथ लेफ्ट आउटर जॉइन की भी और राइट आउटर जॉइन की भी. यानी कि लेफ्ट में जिनका मैच नहीं हुआ वो भी आएंगी, राइट में जिनका मैच नहीं हुआ वो भी आएंगी, और जिनका मैच हुआ वो तो आएंगी ही आएंगी. तो फुल आउटर जॉइन, तो रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम बोथ साइड टेबल्स इवन इफ देयर इज नो मैचिंग रो अपियरिंग इन अनदर टेबल. ओके, फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट ई नेम कॉमा प्रोजेक्ट नेम्स फ्रॉम एम्प्लॉइज. अब इसमें क्या कर रहे हैं, फिर से नेचुरल फुल आउटर जॉइन. तो अंतर कहां रहा है यहां पे, फुल है या लेफ्ट है या राइट है या फिर सिर्फ नेचुरल जॉइन है. तो अगर आउटर भी नहीं लिखा तो सिर्फ नेचुरल जॉइन है, तो उसमें केवल कॉमन वैल्यूज की आएंगी. तो नेचुरल फुल आउटर जॉइन विद प्रोजेक्ट्स. तो देखो अगर मैं ये लिखता हूं क्वेरी तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ एम्प्लॉय नेम और लेट से प्रोजेक्ट नेम्स की बात कर रहे हैं. तो ये हमारे पास दो कॉलम्स सेलेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ एम्प्लॉय नेम और प्रोजेक्ट नेम्स, सिर्फ दो चीजें सेलेक्ट हो रही हैं. तो देखो E1 इज वर्किंग ऑन P, तो E1 का नाम क्या है, A, और वर्किंग ऑन P, A इज वर्किंग ऑन P. E2 इज ए एम्प्लॉय B हु इज वर्किंग ऑन E2 ऑन S. ओके, ऐसे ही थर्ड एम्प्लॉय E3 इज नेमिंग C इज वर्किंग ऑन Q बिकॉज E3 यहां पे मैच हो गया. E4 एम्प्लॉय नेम D इज नॉट वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट, तो यहां पे हमने लिख दिया नल. फिर E5 एम्प्लॉय नेम E इज वर्किंग ऑन R प्रोजेक्ट, और P5 हैविंग प्रोजेक्ट नेम T इज नॉट हैविंग एनी एम्प्लॉय नेम, सो यहां पे हो गया नल. तो हमारे पास ये आंसर आएगा फुल आउटर जॉइन में. लेफ्ट आउटर जॉइन में ये वाली नहीं आएगी, राइट आउटर जॉइन में ये वाली नहीं आएगी. ओके, और फुल आउटर जॉइन में दोनों आएंगी, नेचुरल जॉइन में दोनों ही नहीं आएंगे. ओके, तो ये है हमारे जॉइंस. एक और बचता है सेल्फ जॉइन, जिसमें एक टेबल में अपने आप से वो जॉइन करता है. सो लेट्स सी दैट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.